श्वेता बजाज को सपोर्ट करने के लिए आज बहुत से खास लोग आए हैं और ऐसे ही एक खास शख्स हमारे साथ हैं, फैशन इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम IIFT के चेयरपर्सन मिस्टर रतनदीप लाल। रतनदीप जी, पहले तो आप ये बताइए कि आज आप श्वेता को सपोर्ट करने यहाँ आए हैं, क्या कुछ खास लगा आपको श्वेता के कलेक्शन में? यहाँ पे हमने जो देखा है कि श्वेता की जो भी कलेक्शंस हैं, जो आपका जो ट्रेडिशनल या आपका फ्यूजन कलेक्शंस हैं, वो काफ़ी अलग हटके हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी तो काफ़ी डिज़ाइनर्स को ट्रेन करता है, हम लोग के काफ़ी डिज़ाइनर्स बुटीक्स वगैरह में है, एक्सपोर्ट हाउसेस में है। जो इनका कलेक्शन है, इसमें एक तो जो आने वाला 2018 के कलर्स का काफ़ी सदुपयोग किया गया है, और उसमें जो सिल्वेट्स हैं, जो स्टाइलिंग्स हैं, वो काफ़ी देखनीय सराहनीय है। अच्छा, मैंने एक और बात देखी है, यहाँ पे थोड़ा मिक्स ब्लेंड भी है, कुछ बहुत ही मॉडर्न वेस्टर्न है तो कुछ ट्रेडिशनल है। हाँ, ये जो आजकल का जो ट्रेंड है 2018 में, जो मिक्स ट्रेंड इसलिए कह रहा है क्योंकि जो कि आज की गर्ल्स हैं, दे प्रेफर सबसे ज़्यादा कंफर्ट को देती हैं, तो कंफर्ट जोन में प्लस द थोड़ा सा वेस्टर्न हो, और प्लस ऑब्वियसली वी आर फ्रॉम इंडिया, तो ऑब्वियसली दैट ट्रेडिशनल को थोड़ा सा उन्होंने शरीर को भी ढकना चाहिए, तो उसका भी देखा है। तो जो इन्होंने नया जो अपना कलेक्शन जो आज आपने देखा है, वो इतना आपका प्रैक्टिकल, जिसे कहा जाए प्रैक्टिकल सेंस में है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो ऑब्वियसली दैट्स जो भी इनका जो एज ग्रुप है 18-26 के जो गर्ल्स हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। एंड ऑब्वियसली दैट्स जो इवन द न्यूली वेड के लिए काफ़ी अच्छा है ये। राइट। और हमने आमतौर पे ऐसा देखा है कि जब भी हम कोई फैशन शो देखते हैं और वहाँ पे जब हम मॉडल्स को कपड़े पहने हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये सिर्फ मॉडल्स के लिए, इसमें सिर्फ रैंप पर वॉक की जा सकती है, लेकिन जो आज हमने कपड़े देखे हैं वो हम डेली लाइफ में या अपने पहन सकते हैं। हाँ, काफ़ी डेली लाइफ में पहन सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आज फैशन शो में आपका चेंज है, जो कि आज के जो फैशन जगत के दिल्ली के काफ़ी नामी जानी शख्सियतें हैं, वो लोग पहन के दिखा रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकल में, जिसे कहना चाहिए 100% प्रोफेशनल मॉडल्स नहीं हैं, बट दे आर हैविंग द प्रोफेशनल्स इन देयर ओन रिस्पेक्टिव फील्ड्स, जो कई कंप्यूटर्स की हैं, कई IT इंडस्ट्री की हैं, कई होटल इंडस्ट्री की हैं, कई यू नो ब्यूटी इंडस्ट्री की हैं, कई डिज़ाइनर्स भी हैं। सो ऑब्वियसली दैट्स जो मिल के जो भी गारमेंट्स को इन्होंने प्रेजेंट कराया है, सो दे आर द प्रैक्टिकल पीपल, जिसे कहना चाहिए। कई बार ये होता है कि फैशन शो हम देखते हैं और उसमें ये होता है कि ये केवल रैंप के लिए हैं, क्या प्रैक्टिकलिटी नहीं है, तो ये जो सारे गारमेंट्स आज जो प्रदर्शित किए जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल हैं, और उनके जो मॉडल्स जो जिन्होंने वॉक करा है वो भी प्रैक्टिकल है, दे आर फ्रॉम द वेरियस इंडस्ट्रीज एंड नामी बिल्कुल बिल्कुल जितने भी लोग आज वॉक कर रहे हैं वो सभी प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, और उनका कंफर्ट जोन है, जो भी कपड़े वो पहनते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो उसे कंफर्टेबली कैरी कर पाए, और यही उन्होंने आज दिखाया है। रतनलाल जी, एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो कंपटीशन का दौर है, खास तौर पे अगर हम देखें अभी जितने भी बड़े डिज़ाइनर्स हैं वो सभी बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, ऐसे में अगर जो बडिंग टैलेंट है, जो बडिंग डिज़ाइनर्स हैं, जो दिल्ली से आते हैं, जो मुंबई में या बॉलीवुड से जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, उनके लिए कितना टफ फाइट आप देखते हैं, या उनके लिए क्या अलग वे है, क्या आपको लगता है कि उनका नया होना, उनका यूनिक होना ही उनकी ताकत है? उनकी सबसे ज़्यादा जो क्रिएटिविटी है उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, जो आपके बड़े नामी डिज़ाइनर्स हैं, ऑब्वियसली उन्होंने नाम कमा चुके हैं, लेकिन बॉलीवुड हो या टेली सीरियल्स है, इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है, और आपका टेली सीरियल्स 156 से ज़्यादा आपके चैनल्स अवेलेबल हैं, तो जितने सीरियल्स हैं प्लस उसके लिए, तो यंग टैलेंट्स को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। आपकी जितनी भी आपकी जो रिसेंटली आप मूवीज़ देखें, तो जितनी भी आपकी रामलीला आई थी, प्लस आपको उन लोगों को, नए लोगों को मौका मिल रहा है। इवन दैट्स द यू नो दैट्स द जो अभी पिक्चर आने वाली है पद्मावती, उसमें भी नए लोगों को भी काफ़ी चांस मिल रहा है। अच्छा। तो ये नहीं है कि, और जो छोटे बजट की फिल्म्स हैं उसमें तो 100% मिल रहा है, तो ऑब्वियसली दैट्स द इट इज़ नॉट द स्काई इज़ द लिमिट, एंड दिल्ली हो चाहे आपका बॉम्बे हो, ऑब्वियसली जो प्रैक्टिकल कपड़े हैं उनकी रेंजेस बढ़िया हैं, तो ऑब्वियसली हर जना चाहता है कि वो उसको पाने की कोशिश करता है और खरीदने की मौके मिल रहे हैं। श्वेता के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? श्वेता के बारे में, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड डिज़ाइनर, एंड ऑब्वियसली दैट्स द
उनको काफ़ी मौके मिल रहे हैं और हम लोग भी चाहेंगे कि दैट के मौके मिल रहे हैं. वी आर ऑल्सो डूइंग दैट्स द सम ऑफ द फैशन वीक्स ऑल ओवर द यूनिवर्स. अभी हम एमस्टरडाम में कर रहे थे. अभी बॉलीवुड का इवेंट हुआ था मॉस्को में, आई वॉज देयर. सो वहाँ पर भी डिमांड है इंडियंस डिज़ाइनर्स की. सो ऑब्वियसली दैट्स द इनका कलेक्शन देख के हमें लगता है कि दैट के आई एम गोइंग टू गिव द चांस टू हर टू गिव द international exposure. So that's all the good wishes to not only Shweta but all the young designers ke liye. Ye prosaidan ki baat hai ki apni creativity kare and the sky is the limit. Thank you so much. Thank you.